मैं समझती हूँ कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिस जितना भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए इन आर ओन कैपेसिटी. और हम लोग जो मनोरंजन करते हैं सब लोगों का, हमारा फ़र्ज बनता है कि मनोरंजन से आगे कुछ बात करें जिससे लोगों की सहायता हो सके. तो ऐसे जब सोशल कॉजेज होती है तो हमें कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ आना ही है. और हमारे आने से अगर लोगों को प्रोत्साहन मिलता है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए. हाँ, ये जो रोटरी क्लब है, दिस इज़ अ जूनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रोटरी क्लब. और रोटरी क्लब इंटरनेशनल तो लोग जानते ही हैं, बहुत ही माना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है. और ये जो भी समाज सेवा करते हैं ये सही जगह पे पहुंचता ही है. तो ऑफ कोर्स ओवरहेड एक्सपेंसेस भी होते हैं ऑर्गेनाइज करने के, वो सब माइनस करके जो भी होता है. लेकिन पैसे जमा करना एक हिस्सा होता है, उसके अलावा है जागृति पैदा करना. अब जैसे ये कैंसर के लिए हम आ जाए हैं, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट हैज़ ऑर्गेनाइज दिस रन फॉर लाइफ फॉर कैंसर पेशेंट. अब इसकी गहराई में जाइए थोड़ा, कैंसर होता क्यों है? 50-60% कैंसर इज़ बिकॉज ऑफ टबैको, सिगरेट, गुटखा, सेकेंड हैंड स्मोक. तो अगर जागरूक हम फैलाएंगे कि देखिए तंबाकू लेने से आप कूल नहीं होते हो, मैं कूल हूँ, जब आप खांसने, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं कैंसर के साथ, तो वो कूल नहीं होता है. तो हर इंसान को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और सोचना चाहिए मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है. लेकिन ख़ास तौर से क्योंकि हम मीडिया वालों ने एक इमेज बनाया हुआ है कि सिगरेट कूल होता है, वो उस टाइम पे नहीं पता होता है इतना ज़्यादा. तो अब हमें मीडिया वालों को बोलना पड़ेगा लोगों को कि आप मत सिगरेट पीजिए, आप गुटखा तंबाकू मत पीजिए, आपकी सेहत खराब होगी, आप मर सकते हैं. तो ये हमारी जिम्मेदारी है. हाँ, मैंने देखा कि मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है बहुत ज़्यादा मीडिया पीपल को इज्जत देता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उनकी बातों को सुनता भी है. अगर आज मिस्टर अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय कुछ कहते हैं तो लोग ज़रूर सुनते हैं. बहुत बहुत ज़्यादा इस देश में आई थिंक पॉलिटिशियंस के बजाय मीडिया पीपल जो हैं वो ज़्यादा पावर वील्ड करते हैं इस देश में. तो दे आर द रियल लीडर्स. तो वो जो भी कहते हैं लोग अपनाना शुरू कर देते हैं. अब मैंने कोई छोटा सा आर्टिकल दिया था अबाउट मैं डाइट में क्या लेती हूँ, मुझे कहीं से सुनने को मिला कि कोई कह रहा है कि मैंने तो पूरा डाइट फॉलो करता हूँ मैं. तो मैंने सोचा लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे संभाल के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया पीपल इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों ताकि अच्छी अच्छी बातें फैलें और इस देश का भला हो. एक्चुअली मैं रेस में ऐसे दौड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक्सरसाइज रेगुलरली करती हूँ. क्योंकि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आई थिंक द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ गुड हेल्थ.